जय श्री कृष्णा। आज मैं बनाऊंगी रात की बची हुई सब्जी का ब्रेकफास्ट। अगर आपके घर में रात की सब्जी बच जाती तो उसको फेंकना नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खाना नहीं चाहता रात की सब्जी, तो आज मैंने इसमें बनाना है। प्याज डाल करके, हरी मिर्च डाल करके, अदरक का टुकड़ा डाल करके काट के इसको मैश करके इसमें नमक और मिर्च मसाला अपने टेस्ट अनुसार और धनिया पत्ता डाल करके इसमें इसको आटे में गूंदूंगी। और इसको मैं आगे की विधि आपको अभी बताती हूँ। ये कर लिया है मैंने प्याज अदरक हरी मिर्च को ग्राइंड, और उसके बाद इसको मैं सब्जी को डालूंगी इसमें। और अब डालूंगी ये सब चीज़ें। अब हम इसको करेंगे मैश। अब इसमें डाल लिया है धनिया, हमने इसमें डाल लिया है आटा, और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी अजवाइन। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तभी डालना है, थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के, ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि सब्ज़ी भी थोड़ी गीली रहती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। ये बना लिया हमने परांठा। अब हम इसको सेकेंगे, तवे पे डालेंगे, तवा हो गया गरम, उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा तेल डाल देंगे। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको परौंठे का पकौड़े ज़्यादा लगेंगे, बहुत टेस्टी बनता है, आपके बच्चे भी खुश होके खाएंगे। आपके बच्चे अगर सब्जी नहीं खाते तो आप इस तरह दे सकते हो। इस पे थोड़ा थोड़ा घी डालो। गाइस ये इतना खस्ता बनता है कि ये टूटता भी है। बहुत खस्ता बना है। ये बन गया हमारा परांठा, और अब इसको हम तवे पे डालेंगे। तवा हो गया गरम, थोड़ा सा घी डाल देंगे। ये बहुत खस्ता बनता है और पकौड़ों से कम नहीं बनता गाइस।
इसको आप अच्छे से कुरकुरा कर लीजिए। और ये पकौड़े से कम नहीं लगता। हाँ जी, परौंठा हो गया तैयार। आप दही चटनी अचार किसी के साथ भी, चाय के साथ भी खा सकते हैं। हेलो गाइस, ये मेरा पहला ब्लॉग है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।